हेलो एवरीवन, साडा जो अज का टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, जिस दे विच असी इनपुट आउटपुट फंक्शंस की होंगे ने उन्हां बारे पढ़ांगे। सी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन द प्रोग्राम। सी प्रोग्राम दे विच इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करन वास्ते जो सी लैंग्वेज है उन्हें सानू बहुत सारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस प्रोवाइड किए ने। जो ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस ने स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी दे विच ने। इनपुट आउटपुट फंक्शंस ने जो ये बिल्ड इन फंक्शन होंगे है, मीन्स वी डोंट नीड टू राइट द फंक्शन फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जब भी असी ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस नू असेस करना होंदा है, यूज करना होंदा, तो असी इन्हां नू कॉल करते हैं फंक्शन दे नाम दे नाल, ते इन्हां नू असी डायरेक्ट ही यूज कर लैने हैं, असेस कर लैने हैं। जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस ने वो दो तरह दे होंदे हैं। फर्स्ट इज़ फॉरमेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड अनफॉरमेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। फॉरमेटेड फंक्शन वो होंगे ने जिदे विच असी जो इनपुट एंड आउटपुट ने उन्हों असी फॉरमेट कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। अनफॉरमेटेड वो फंक्शन होंगे ने जिन्हें असी इनपुट आउटपुट जो ने इनपुट आउटपुट है जो उसकी फॉरमेटिंग नहीं कर सकते। फॉरमेटेड फंक्शन ने जो वो होंगे ने प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। अनफॉरमेटेड फंक्शन ने जो उन्हें गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट कैर, गेट्स, पुट्स एंड पुट कैर। वन बाय वन असी फॉरमेटेड ते अनफॉरमेटेड फंक्शंस ने जो इन्हां बारे डिस्कस करांगे। इहदे च फॉरमेटेड ते अनफॉरमेटेड जो फंक्शंस ने उन्हां नूं दिखाया गया है कि केड़े फंक्शंस ने इन्हां चों जुड़े इनपुट फंक्शंस ने, केड़े आउटपुट। जिवें कि जो फॉरमेटेड फंक्शंस ने उहदे च स्कैन एफ है जो वो इनपुट फंक्शन है एंड प्रिंट एफ है जो वो आउटपुट फंक्शन है। उवें अनफॉरमेटेड फंक्शन दे विच जिहड़ा गेट सी एच, गेट सी एच ई एंड गेट कैर है जो वो इनपुट फंक्शन है, पुट सी एच एंड पुट कैर है जो वो आउटपुट फंक्शन है, गेट्स है जो वो इनपुट फंक्शन है, जो पुट्स है वो आउटपुट फंक्शन है। सब तो पहला असी प्रिंट एफ फंक्शन बारे पढ़ांगे कि प्रिंट एफ फंक्शन की होंदा है। प्रिंट एफ जो फंक्शन है ये फॉरमेटेड आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट फंक्शन का की मतलब है कि जेड़ा प्रिंट एफ फंक्शन है ये इनू असी यूज करते हैं टू प्रिंट सम टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। कोई टेक्स्ट है जो उन्हें स्क्रीन के उपर प्रिंट करवाण वास्ते असी प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन है जो वो किसी भी टाइप के डेटा नू स्क्रीन के उपर प्रिंट करवाने लिए असी यूज करते हैं। किसी भी टाइप का डेटा मतलब जिमें कि इंटीजर टाइप का, करैक्टर टाइप का, फ्लोट टाइप का ज स्ट्रिंग टाइप का डेटा है जो उन्हों असी स्क्रीन के उपर प्रिंट करवाने वास्ते यूज करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन है जो डबल कोट्स के अंदर लिख के असी कुछ भी एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन के उपर प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन मूव्स डेटा फ्रॉम कंप्यूटर मैमरी टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर मैमरी तो जो डेटा है उन्हों आउटपुट जो स्टैंडर्ड साड़ी आउटपुट डिवाइस है उदे उपर मूव करता है प्रिंट एफ फंक्शन। जो सिंटैक्स है प्रिंट एफ फंक्शन का वो है प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसीफायर, दैन आर्ग्यूमेंट 1, 2, 3 सो ऑन अप टू n, दैन सेमीकोलन। फॉर्मेट स्पेसीफायर का की मतलब है कि इतने असं दस रहे हैं कि किस फॉर्मेट दे विच, किस फॉर्मेट की है उस आउटपुट का जो असी स्क्रीन के उपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। एंड जो आर्गूमेंट्स ने वो कि ने वेरीएबल्स, आर्गूमेंट्स आर द वेरीएबल्स जिन्हें वैल्यू असी प्रिंट करवानी है। एक एग्जाम्पल है जिदे की है
कि असी की कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं कोई वैल्यू, कोई वैल्यू प्रिंट करन वास्ते असी प्रिंट ऑफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। सपोज असी वैल्यू जो है वो 10 आउटपुट स्क्रीन दे उपर प्रिंट करवाना चाहते हैं। सब तो पहला असी उहदे वास्ते डेटा टाइप दसी है कि इंटीजर टाइप है, वेरीएबल ए है। ए वेरीएबल दे विच असी 10 वैल्यू 10 वैल्यू है जो ए नू असाइन कर रहे हैं। प्रिंट ऑफ फंक्शन यूज़ करके असी उस वैल्यू नू स्क्रीन दे उपर साड़ी आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन दे उपर प्रिंट करवा रहे हैं। इंट ए, ए नू असी वैल्यू असाइन कीती सपोज 20 या 10 या 25 सेमीकोलन प्रिंट एफ ए परसेंटेज डी जो असी लिख रहे हैं, ए असी लिख रहे हैं कि असी कंपाइलर नू दस रहे हैं कि जो असी वैल्यू प्रिंट करवानी है उदी टाइप है जो इंटीजर टाइप है। इनू असी कंपाइल कर रहे हैं, जीरो एरर है। हुण असी इनू रन कर रहे हैं तां साडी जो वैल्यू है 20 ओ स्क्रीन ते डिस्प्ले हो रही है। एक होर एग्जाम्पल है प्रिंट एफ की जिहदे विच असी कोई डायरेक्टली टेक्स्ट है जो कोई उन्हू प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन दे उपर। किवें कर रहे हैं असी प्रिंट एफ, असी क्या सी कि असी डबल कोट्स दे विच लिखते हैं जो असी टेक्स्ट एज इट इज़ प्रिंट करवाना होंदा है। तो असी लिखांगे सपोज असी लिखिया दिस is my first C program. Compile कर रहे हैं, then run. साड़ी कोल जो ऐसी printf दे विच double quotes दे विच लिखे हैं सानू as it is display हो गया this is my first C program. Next जो साड़ा function है वो है scanf function. scanf function है जो वो formatted input function है। input function है means कि ऐसी scanf function use कर दिया keyboard तो कोई भी input लैन वास्ते। scanf function की होंदा है enters the data from input device and stores it into the computer memory। असी कोई भी input device जिमें कि keyboard तो data ले रहे हैं तो उन्हों store किता जा रहा in computer memory। जो syntax है scanf का वो की है scanf format specifier then argument 1 2 3 so on up to n then semicolon। फॉर्मेट स्पेसीफायर जिमें कि मैं पहला भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो दसदा है कि किस फॉर्मेट दे विच असी डेटा है जो वो डिस्प्ले करवाना है जा एंटर करना है। एंड जो आर्गूमेंट है इतने आर्गूमेंट स्पेसीफाई करते हैं एड्रेस ऑफ लोकेशन वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं असी एग्जाम्पल है ये विच असी की कर रहे हैं इंट ए स्कैनएफ इतने असी स्कैनएफ दे विच एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया है। एक ही जो ए ऑपरेटर है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ए स्पेसिफाई करता है एड्रेस ऑफ ए। स्पेसिफाई कर रहा है मेमोरी ऑफ ए। किवें करते हैं असी
CLR यूज किया स्क्रीन नू क्लीयर करन वास्ते कि साडे जो पुराने प्रोग्राम की आउटपुट सी वो क्लीयर हो जाए स्क्रीन दे उपरों एंड जो साडा हुण असीं प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ उहदी ही जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो गए। ये ऑपरेटर है जो एड्रेस वास्ते यूज करते हैं। ये ऑपरेटर स्पेसिफाई कर रहा है एड्रेस ऑफ ए। कंपाइल रन किया असी कोई वैल्यू दे रहे हैं 5। ए दी वैल्यू असी 5 दिती। जो साडे नेक्स्ट है वो है अनफॉर्मेटेड फंक्शन। अनफॉर्मेटेड फंक्शन ने वो फंक्शन होंगे ने जिन्हां दी असी अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मेट स्पेसीफायर। इन्हां नूं कोई भी फॉर्मेट स्पेसीफायर रिक्वायर्ड नहीं होंदा। इन्हां नूं कोई डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट भी नहीं होंदी। जो अनफॉर्मेटेड फंक्शंस ने वो सिर्फ करैक्टर नाल ही वर्क करते ने, डेटा टाइप नाल ही वर्क करते ने, करैक्टर डेटा टाइप। फर्स्ट है गेट कैर। जो गेट कैर फंक्शन है वो की करता है एक सिंगल करैक्टर ही लेंदा है फ्रॉम द कीबोर्ड। रीड वन करैक्टर एट वन टाइम अंटिल एंड अनलेस द यूजर प्रेसेस द एंटर की। जिन्ना टाइम यूजर है जो वो एंटर की प्रेस नहीं करता उन्ना टाइम जो गेट कैर नाम का फंक्शन है वो करैक्टर रीड करता रहता है। जो असी कोई करैक्टर टाइप करते हैं कीबोर्ड तो इनपुट दे रहे हैं असी कोई टाइप कर रहे हैं कि गेट करैक्टर नाम का जो फंक्शन है वो करैक्टर नू रीड कर रहा है। विल ईको द करैक्टर। ईको मीन्स डिस्प्ले। तो गेट कैर नाम का जो फंक्शन है वो जो करैक्टर असी कीबोर्ड तो टाइप कर रहे हैं उन्हू स्क्रीन के उपर डिस्प्ले भी करता है। इधर सिंटैक्स है वेरिएबल नेम इज इक्वल टू गेट कैर देन सेमीकॉलन। CHARA मीन्स करैक्टर डेटा टाइप की है करैक्टर वेरिएबल है ए। किवें कर रहे हैं असी कैर ए। ए इज इक्वल टू गेट कैर फंक्शन है इतने असी एक करैक्टर असी क्या है कि जो गेट कैर नाम का फंक्शन है वो एक करैक्टर एक टाइम के उपर रीड करता है। असी कोई कीबोर्ड तो इनपुट दिती जी तो वो रीड कर रहा है ते स्क्रीन दे उपर डिस्प्ले भी कर रहे हैं। मीन्स इको द करैक्टर ऑन द स्क्रीन। ओना टाइम असी करैक्टर जिन्ना टाइम असी करैक्टर प्रेस कर रहे हैं कोई कीबोर्ड तो ये रीड कर रहे हैं जिन्ना टाइम असी एंटर प्रेस नहीं कर रहे। जब ही असी एंटर प्रेस कर रहे हैं तो साडा कंट्रोल वापस इत्थे आ जाता है। नेक्स्ट है गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। गेट सी एच रिटर्न अ करैक्टर दैट हैज़ बीन रीसेंटली टाइप। जो असी रीसेंटली टाइप किया करैक्टर वो करैक्टर नू रिटर्न करता है जो गेट सी एच फंक्शन है। जिमें लास्ट वाला जो सी गेट कैर नाम का फंक्शन वो डिस्प्ले भी कर रहा है करैक्टर नू ईको क
कर रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के उपर, बट जो सी गैट सी एच नाम का फंक्शन है ये जो करैक्टर है वो डिस्प्ले नहीं होंगा, वो कंप्यूटर स्क्रीन के उपर करैक्टर डिस्प्ले नहीं होंगा। गैट सी एच ई दे विच की है कि जो असी करैक्टर टाइप कर रहे हैं उस स्क्रीन के उपर डिस्प्ले होंदा है। एंड ई मीनस ईको जिहड़ा गैट सी एच ई नाम का फंक्शन है ये भी सिंगल करैक्टर रीड करता है। एग्जाम्पल दिती हुई है गैट सी एच एंड गैट सी एच ई दी। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू गेट सी एच सब तो पहला मैं सिर्फ गेट सी एच फंक्शन लगा के प्रोग्राम नू रन करूँगी। गेट सी एच ने विच की है कि साडा जो टाइप्ड करैक्टर है वो डिस्प्ले नहीं होंगे स्क्रीन के ऊपर। एंटर द वैल्यू सपोज मैं कोई वैल्यू एंटर की बी, जद ही मैं बी प्रेस किया नाल दी नाल मैं एंटर भी प्रेस नहीं किया तो साडा कंट्रोल है जो वो इत्थे वापस आ गया। हुण जे मैं गेट सी एच ई फंक्शन रन करूँगी तो ये की है इस फंक्शन कि जब भी जिन्ना चर मैं एंटर नहीं प्रेस करूँगी उन्ना टाइम सानू आउटपुट स्क्रीन ही विजिबल रहेगी। एंड गेट सी एच विच की है कि जो मैं करैक्टर टाइप करूँगी वो करैक्टर है जो वो सानू स्क्रीन के उपर डिस्प्ले भी होएगा। सपोज मैं टाइप किया वी देखो मैं जे प्रेस किया तो एंटर द वैल्यू जे आ रहा है। मैं दोबारा कंपाइल किया हूँ मैं इतने सपोज डी प्रेस कर रही हाँ तो एंटर द वैल्यू डी लिख के आ रहा है। जब मैं एंटर प्रेस किया तो साडा कंट्रोल इतने वापस आ गया। प्रोग्राम में क्लियर दिखाने वास्ते मैं स्लैश एन लगाया है ताकि मेरा जो करैक्टर है वो नेक्स्ट लाइन दे विच डिस्प्ले होवे। हुण मैं रन कर दिया तो एंटर द वैल्यू तो बाद नेक्स्ट लाइन च मैं प्रेस किया के तो मेरी आउटपुट K
के जो है मैनू आउटपुट स्क्रीन के उपर दिख रहा है, मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ। नेक्स्ट है पुट सी एच एंड पुट कैर। पुट सी एच एंड पुट कैर जो फंक्शंस ने ये दोनों सेम, दोनों का सेम मीनिंग है, सेम तरह ही वर्क करते हैं। जो पुट सी एच एंड पुट कैर फंक्शन है वो एक करैक्टर एक टाइम के उपर प्रिंट करते हैं स्क्रीन के उपर। जो पुट सी एच एंड पुट कैर फंक्शन ने दोनों फंक्शन ये आउटपुट फंक्शन ने, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन ने। ये किवें वर्क करते हैं, इधर सिंटैक्स देख लिया ऐसी। पहला सिंटैक्स की है पुट सी एच देन वेरिएबल नेम देन सेमी कॉलन। एक एग्जांपल है ऐसी की कर रहे हैं, करैक्टर लेटर टाइप है ए वेरिएबल, ए इज इक्वल टू ए नू कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं कैपिटल ए सेमीकॉलन। पुट सी एच पुट सी एच ए आर एंड इतने असी वेरिएबल दे रहे हैं, वो वेरिएबल जिसे असी ए कैपिटल ए जो है वो स्टोर किया है, मतलब ए स्मॉल ए दे विच असी उन्हें कोई वैल्यू असाइन की है कैपिटल ए। तो असी इनू रन कर रहे हैं, तो साढ़े को आउटपुट आ रही है ए दैन ए। जो फस्ट वाला ए है वह पुट सी एच की आउटपुट है एंड जो नैक्सट वाला ए है वह पुट सी एच ए आर की आउटपुट है। नैक्सट है गैट्स ते पुट्स फंक्शन। गैट्स जो फंक्शन है वह इनपुट फंक्शन है एंड जो पुट्स है वह आउटपुट फंक्शन है। जो सिंटैक्स है वो की है गेट्स द गेट्स देन स्ट्रिंग सेमीकॉलन। जो गेट्स फंक्शन है उन्हें यूज कर दिया कोई स्ट्रिंग नू एक्सेप्ट करन वास्ते इनपुट डिवाइस तो, एंड जो पुट्स है उन्हें यूज कर दिया स्ट्रिंग नू डिस्प्ले करन वास्ते कंप्यूटर स्क्रीन दे ऊपर। जो गेट्स है वो स्ट्रिंग आउटपुट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड जो पुट्स है वो स्ट्रिंग आउटपुट डिस्प्ले करता है कंप्यूटर स्क्रीन दे ऊपर। इहदे च की है कि सानू साइज है जो इनपुट स्ट्रिंग का वो स्पेसीफाई करना पैंदा है, जिमें एग्जाम्पल दे विच सी एच ए आर ए दैन 50 लिखा है, तो 50 है जो वो साइज है इनपुट स्ट्रिंग का। इहदा मतलब है कि जो साडा असी गैट्स ए लिखा, जो साडा ए वेरिएबल है वो 50 करैक्टर स्टोर कर सकता है, 50 करैक्टर्स तक स्टोर कर सकता है। असी साइज है जो वो स्पेसीफाई करते हैं इनपुट स्ट्रिंग का।
हम असी प्रोग्राम नू रन कर रहे हाँ। एक ही है स्ट्रिंग इनपुट लेंदे ने जिवें असी लिखिया दिस इज माई बुक तक की है ये 50 करैक्टर्स तक जो स्ट्रिंग है जो करैक्टर्स ने 50 तक एक्सेप्ट करेगा क्योंकि असी दा साइज है जो इनपुट स्ट्रिंग दा वो असी 50 स्पेसीफाई किया है प्रोग्राम दे विच। एंटर प्रेस करन तो बाद सेम सानू आउटपुट डिस्प्ले कीती है सेम लाइन दोबारा डिस्प्ले हो रही है क्यों क्योंकि जो पहली आउटपुट है जो सानू फर्स्ट लाइन दिख रही है वो की है वो असी इनपुट दिती है ठीक है वो असी इनपुट स्ट्रिंग दिती है एंड जो वो गेट्स नाम का जो फंक्शन है गेट्स ए वो उथे चल रहा है वो रन हो रहा है वो सानू आउटपुट आ रही है एंड जो नेक्स्ट वाली लाइन है वो पुट्स ए दी आ रही है क्योंकि जो असी इनपुट दिती वो सानू पुट्स फंक्शन है जो वो डिस्प्ले कर रहा है। थैंक यू।